espada ou não é o espregui. Já para os gols, tem feio.
पे लगाओ उसके और पीठ पे लगाओ इधर मसलना नहीं उंगली पे सीधा यूं डुबा के लेके सीधा लगाना जकड़ो उसको जकड़ो उसको पूरी ताकत लगा तेरी लाल है लगा कितनी है तो तंगी ने छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारी डाल के जा रहा करे बाप का तेरा रात चल रहा नाला जकड़ो उसको होते से जकड़ के नाला है उसके बाप कल रात चल रहा अंदर बैठ कैंसर लगा रहा सुखा के मार रहा जकड़ लो उसको और तेज से जलाओ 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 उसको और तेज जलाओ जकड़ लो उसको लगाओ उसके अंदर तेज से आग लगाओ लगाओ उसके अंदर लगाओ पीछे से जकड़ो उसको और तेज जकड़ो जुलूम दे रहा था हमें बाप का रहा चल रहा उसके जला उसका खून पी पी के उसको सुखा दिया जकड़ लो उसको और तेज से लेकिन बाद में पेट में दर्द चालू हो गया बुखार होने को वजह से परवनी में ट्रीटमेंट 15 दिन करे 15 दिन में भी इलाज नहीं आया कार्ले हॉस्पिटल में तो परवनी से फिर उन्हें हमारे वहाँ पे भेजा औरंगाबाद में वो बोन मैरो रिपोर्ट करे उसमें ब्लड कैंसर बताया क्या बताया ब्लड कैंसर रिपोर्ट में आया उनके करते ब्लड कैंसर
और देखो मेरे सामने लाए उन्होंने, कितनी चक्कर है तुम्हारी ये मारो, पहली चक्कर में क्या हुआ था? पहले चक्कर में आपने ताकत दी थी बनने को, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चक्कर में, दूसरी चक्कर में थोड़ा रुई हुई। हाँ, तीसरी चक्कर में, तीसरी चक्कर में अभी ये हालत है, इतना धिंगाना होगा तीसरी चक्कर में। देखे और डॉक्टर तो बता रहे थे कि रिपोर्ट में आ रहा कि क्या आंसर है, तुम इत लोग देखो, तुम इत लोग जस्टिफाई करो कि क्या दास्तान चल रही दुनिया में, क्या है ये सब खेला, क्या आंसर पे डाल के मार रहे थे उसको कम वक्त लोग, बदमाश है मेरे मुंह से क्या बोलूंगे देखो तुम सब। पहली बार आए थे तुम, क्या हुआ? पहली बार कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बार? दूसरी बार में थोड़ा जरूरी हो। तीसरी बार? तीसरी बार में भी हालत उतारा कर रहे, उतारा पूरा कंप्लीट हो गया। उतारे के बाद ही हाजिर हो, उससे पहले हाजिर हो? उतारे के बाद हो गया। अच्छा, उतारा करने के बाद। उतारा करने से सब जादूगर की सिद्धि सब कमजोर होती है, और कमजोर होके वो सामने आना पड़ता है, फिर सामने लाली को पकड़ के पूरा जला के भस्म कर दे, ये कोई कार्रवाई चलती है अल्लाह के हुक्म से। अभी तक कितना पैसा बर्बाद होगा उनका, कैंसर के इंजेक्शनों में, ट्रीटमेंटों में, उसमें। और यहाँ देखो अल्लाह के हुक्म से क्या बोलते, तो कैसा आया सामने, कैसी दास्तान है, इसी सब अल्लाह का निज़ाम चलता दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह के कलाम की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करना, कुरान नमाज वो सब पढ़िए, तो चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे। ज़्यादा तुम साइंस मेडिकल साइंस करके अभी प्राइमरी के अंदर हो, साइंस वो भी क्या बोलेंगे जूनियर के जी के अंदर हो, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे साइंस तो उसको पता चलेगा जादू टोना, ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब है दुनिया बोल के। और इबादत ज्यादा ज्यादा करो, ज्यादा उसकी रस्सी को लेके मत नाचो, साइंस, दवा खाने कर रहे, तुम समझ जाओ ज्यादा तुम्हारा पैसा दवा खानों में जा रहा कि समझ जाना ये कोई दूसरा चक्कर चल रहा, क्योंकि दवा खाने की दवा गोली एक से दो बार जाओ मेडिकल साइंस में, इतना करते तुम्हारी बीमारी मुझे बीच राइट कर देता, बीमारी राइट नहीं हो रही बार बार, तो ऐसा छुपे आला खेल रहा था, आया सामने देखे सब अपनी नजरों से। ऐसी बात है, मैं तो मेरे मुंह से कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ क्या उसके आन में, देखो तुम दास्तान अल्लाह का नाम पढ़े तो कैसे आई तो सामने चल रहे लगा नाला पूरी ताकत लगा और जोर से। ये तो मासूम बच्चों को नहीं बख्श रहती, क्या दुनिया को बोलना, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मिलते। देखो कैसा हल कर दिए थे बच्चे के हाथों के कलाया, देखो उसकी उसका अल्लाह अकबर कितने बारीक हो गए, कैसा सुखा दिए, खाली हड्डियां रह गए उसके आंग में, गोश चमड़ा हटा दिए, चमड़ा और हड्डियां रह गए, गोश हटा दिए थे उसके आंग का पिघला पूरा सुखा के सब बलाएं लगा के, देखो सब दास्तान। ये पिशाच छोड़े वाला उसको जादू टोने से, जो कैंसर की बीमारी के दाग के उसका खून पी के खत्म कर रहा है, मैं तो मेरे मुंह से बोल रहा हूँ, देखो सामने से तुम्हारी सारी दास्तान। शैतान का सब पिंगा पानी निकाल, अंदर बैठ के उसके खून में कैंसर कर रहा था, कमी नहीं देख, अभी अल्लाह का पानी की ताकत, झगड़ लो उसको अंदर से, जला उसको पूरा अंदर से जला के राख करो उसको, निकला उसको जल्दी, आ
का टेंडर्स लगा हुई था उसको दम करा के देखे वैसे कर लो इसका मांगा। हाँ बस चल रहा तेरे नाराज जलाओ कुत्ते जिसे आग लगाओ उसके अंदर और खानों पे लगा हुआ था यूं राउंड ऐसी और ऐसी वहां से खून पी रहा था उन्हें उसका टीपी के कमजोर कर रहा था उसको बाप का तेरे रात चल रहा था जलाओ उसको और तेज से बस छोड़ो उसके अंदर कौन छोड़ा वो और कहीं में मिला के खिलाया था उसने हाँ जल्दी बंदो उसको और तेज बंदो उसको जकड़ के। अच्छा क्या नाम है उसका पेशेंट का? सादिया, शेख सादिया। इससे पहले कहीं नजर हुआ नहीं काट लू क्या आता थे भस्म करा दू क्या? हाँ बोल चलो बोल सही सही बोल क्या दास रहे थे? हाँ क्या कपड़ा बाल मट्टी क्या लिए थे? पैर नीचे की मट्टी बाल कपड़ा क्या लिए थे? हाँ जल्दी बोल नहीं तो और जलाता हूँ तेज से। जकड़ो उसको जकड़ लो और तेज जकड़ो पूरा भस्म कर दूंगा। जकड़ो उसको जलाओ चला पूरा जला दूंगा मैंने तो। हाँ क्या लेकर थे जादू चला थे डे? हाँ जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो कब मारो बोले थे मास में मारो बोले पुन्नम में मारो बोले तूने खुद करी फिर उस पे जादू? हाँ किससे करे हिंदू से मुसलमान से? हाँ कौन था जादूगर? झूठे बात नहीं चलते हैं पूरा भस्म कर दूंगा। जकड़ो और से बोल नारा पूरा भस्म कर दूंगा। क्या लिए थे? जकड़ो उसको तेज जकड़ो हटो टच मत करो दादा। हाँ जकड़ो उसको इधर लगाओ जल्दी सटक के भागता है मैडम शैतान है। जकड़ो उसको तेज से नहीं छोड़ देते कैसा छोड़ते अभी तक पूरा भस्म कर देते। चल ए शैतान तेरे को एक मौका दे रहा हूं जा और अगली चक्कर में सब याद करके आके सुनाना लेकिन अभी टाइम नहीं है इस वक्त तेरे को अगला मौका दे रहा हूं पूरा भस्म कर देता हूँ बाद में नहीं तो पी जला दूंगा हाथ नारा नीचे रख। जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको
सब याद करके आना, कौन ने जादू चलाए थे बच्ची पे, कहीं मिला खिलाए थे। हाँ किसने किसने खिलाए क्या झगड़ो उसको और झगड़ो उसको। किसने खिलाया? तूने खिलाई? हाँ कौन खिलाए? कब मारो बोले अम्मा से पुन्ना में झगड़ो उसको और झगड़ो। कब मारो बोले अम्मा से पुन्नम में। اللهم لبيك يا رسول صلى الله عليه وسلم है तेरे दाता तोड़ने लगा देता, तेरे दाता तोड़ने का हुक्म दे दूंगा, जंजीरा दाल के खींचने लगा दूंगा तेरे दाता बाहर, फिर कैसा पींगा खून लगाऊं तोड़ने। हाँ किसने जादू चलाया था सब याद करके आके सुनाना मेरे को, सबके घरों पे जा और पूरी दास्तान याद करके आ और आके दूसरे चक्कर में सब सुनाना मेरे को, अगर नहीं सुनाया तो पूरा चिंदिया करके भस्म कर दूंगा, आखिरी हुकुम है मेरा, चल निकल नाला। और कब मारने आते बच्ची को सारी दास्तान सुनाना, उसके बाद उसके बाप को कब मारने आते सब बात सुनाना मेरे को। चलो फिर पानी हाथ पे डालो, मेरे पानी दूसरे राउंड में उससे सब पूछा के लेंगे। चल भाग। क्या नाम है उसका? सादिया। अरे सादिया, अरे सादिया, सादिया, अरे सादिया, अरे सादिया, अरे क्या वो आज क्यों? हाँ ये कौन है? ये कौन आने वाले साथ में? देखो उधर तो पियो पानी यहाँ से लो। हाँ पियो। सादिया ये कौन है? जोर से बोलो। वो कौन है पीछे बैठे? वो कौन है? देखो ऐसा अच्छा नहीं है किसी के बच्चों पे जादू तो ना करना, ये गलत है ना जी। तुम ऐसा सोच के कर रहे क्या? तुम आपको कोई देख रहा नहीं, उसको कर देंगे हम बदला ले लेंगे, उसको मार देंगे, ऐसा जलना, ये क्या दुश्मनी ऐसे चल रही, एक दूसरे के बच्चों ने इसमें क्या बिगाड़े, किसी के भी वैसे तुम ऐसे जादू टोने करके मार रहे, तुम्हारा क्या बोलना, बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम किसी के औलादों को मार के सुकून चैन से रहेंगे जादू आंटोने करके, अल्लाह है ना तुम्हारे सबके साथ में इंसाफ करने को बैठे वाला। तुम किसी और की नींद उड़ेंगे तो उन्हें तुम्हारी नींद उड़ाता, फिर तुम दूसरे के वास्ते खड्डा खोदे तो तुम्हारे वास्ते कोई और खड्डा खोदने वाला तैयार होता। तो ऐसे नहीं करना एक दूसरे पे, जो भी दास्तान वो तो गलत बात है, छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शे कितनी बुरी बात है। पहले वो बच्ची की तबीयत बोलते खराब हुई थी, क्या हुआ था पहले पहले? बुखार पेट में दर्द, बुखार। हाँ वैसे सुख का क्यों गई थी? खाना नहीं खाई थी ना, खाना भी नहीं खाया था, खाना भी नहीं खाया था, पानी नहीं पी। तो फर्क हुआ? हाँ यहाँ जब से अंदर उनके अच्छा फर्क हुआ। रिपोर्टों में क्या आया था? उनकी रिपोर्टों में कैंसर की रिपोर्ट आई थी उनके पास। रिपोर्ट लाई के साथ में? रिपोर्ट नहीं लाई, दो बार ले गया, दूसरी बार आई है ना आप लेके उसको, दूसरा बार डबल से और एक वीडियो बनेगा, तो जब रिपोर्ट साथ में लाना, रिपोर्टों में मारी है ना कैमरा, लोगों को मालूम होना क्या दास्तान है। ये ऐसा गलत है, ये बहुत बेबुनियाद गलत बातें है। उसको कैसा कर दिए थे बच्ची को जब लाए थे तो उसकी ऐसी हालत थी कि जब का तो अब तो भी वो सुधरी उसकी हालत, पहले तो ऐसा होगा था कि उसको बहुत ही भयानक आलम, बोल भी नहीं सकता मैं, उसके अंदर ताकत भी नहीं थी जरी भी, गाड़ी की जैसी हो गई थी। अब तो भी अल्लाह करम दिख रहा उसके आगे थोड़ा बहुत हो चुका सुधरा वैसा आलम, मगर ये नहीं करना ना बहुत गलत बात है। तुम जानूँ के हकदार बन जा रहे नालायक हो, तुम्हारी दुनिया भी चले जाएंगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद, दोनों बर्बाद। क्या कर रहे तुम्हें हसद जलन एक दूसरे पे जादू टोने? ला यरहमुल्लाहु मल्ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। तुम क्या बोलते थे एक दूसरे पर रहम नहीं करेंगे, ऐसे जादू टोने करेंगे तो फिर तुम कैसा बचेंगे जब अल्लाह, चलो ठीक है तुम ये कर रहे मगर तुम वो भी तो दिन सोचो ना जिस दिन तुम्हारे अल्लाह को मुंह बताना, और उससे पहले अगर अल्लाह ने तुम्हारे को आजाब में घेर लिया फिर कहाँ जाते तुम?
आजाब इलाही एक ऐसी चीज है ना, वहाँ दुआ काम करती है ना वहाँ दवा काम करती, दोनों भी चीजें काम नहीं करती। फिर अल्लाह के बहुत बड़े वली के पास जाके वहां से तौबा करा के ना पता, फिर डायरेक्ट अल्लाह ने उनके आमीन बोलने पे फिर तुम्हारी तौबा होना। बहुत बात आ रही थी वो लंबी चौड़ी दास्तान है, वो जब अल्लाह की मर्जी में आया जब बख्शता फिर अल्लाह किस जी ने ना फिर तुम भी लोग। बहुत गलत दास्तान है, नहीं करना एक दूसरों के ऊपर। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, पांच टाइम की नमाज पढ़ो, सीरियला पिक्चरा टीवियाँ देखना कम करो, गाने मोबाइलों में चार चार घंटे लगा रहे, उत्तर टाइम इबादत में लगाओ, कुरान सीखो। अरे कुरान क्या बोलते, तो सुन सुन के भी याद हो जाता बहुत सारा, सुन सुन के याद करो, जितना भी तुम आपको उतना याद करने की कोशिश करो, लफ्ज अल्फाज हर चीज उसकी सही तरीके से दुरुस्त करना, क्योंकि तुम ये सब तुम्हारे घर का माहौल दीन का बनेगा तो तुम्हारे घर से शैताना बाहर निकलेंगे। तुम्हारे घर का माहौल शैतान का बना, दीन बाहर गया तो फिर तो तुम्हारे घर में शैतान नाचेंगे ना, और तुम आपको भी नचेंगे दवाखानों में ले जाकर भरने लगाते सब। बहुत गलत बात है, बहुत बेबुनियाद, देखने के बाद मेरे को अच्छा नहीं दिखता और बहुत गुस्सा आता मेरे को, बहुत खतरनाक आलम मेरे को मालूम, मेरा कसा बर्दाश्त करता हूँ जलाल, क्योंकि बोलने का से कोई अल्फाज नहीं मिल रहा है अभी। इबादत करो बस इतना ही बोलूँगा मैं सब लोगों को, और ऐसा मत करो बस बात खत्म। कुछ याद है क्या तुम्हारा, जोर से बोलो। कुछ भी नहीं, मैं कुछ सवाल जवाब कर रहा था, कुछ याद है? कुछ भी नहीं। देखो उसके आंग में आ गई थी वो, आगे वो सब कर रही, पूरी दास्तान चल रही हो। अब वो जो भी अल्लाह की तुमसे कौन कर रहा है उसका नाम तो छुपने वाला नहीं है, उसका दूसरी चक्कर में निकाल दूँ तो उसका नाम ठहरा। मैंने निकाल रहा उसके अब्बा बोल रहे निकाल के दो, बोल के मैं तेरा काम है पूछना, शैतान बोली ना कौन कर रहा जादू ना, उसके अब्बा हूँ सब जवाबदार रहेंगे, मेरा कुछ नहीं उसमें, समझ गए? चलो यहाँ बैठे थे, सवाल जवाब कुछ कुछ याद है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा अब्बा जोर जोर से चीखा मारे थे वो याद है क्या, सुने यार बैठो? नहीं कुछ भी नहीं मालूम। चलो कहाँ कहाँ लेके घूमे थे, दुआ पानी भी करे क्या पहले? जोर से बोलो, दुनिया सुन रही तुम आपको। हमारे पात्री में जो देखते उनके पास जो गए थे उनको पता है? हाँ। नाम बोलो, नाम मत बोलो किसका नाम, उनको पता है, बदनामी होती है उनकी। उनको बताने के बाद में उन्होंने रस्सी दिए थे, तागा दिए थे बनने का, से उससे कोई फर्क नहीं हुआ मैसेज में, उसकी वजह से आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, वीडियो देखे तो यहाँ पर ले गए, हालांकि डॉक्टर लोग मना कर रहे थे मत लेके जाओ, वीडियो देखने के बाद मेरे को सबर नहीं निकला, मैं उसे बिगड़ छुट्टी का लेके आया। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोल रहे थे दवाखाने से जाए तो हम जमीदार में कुछ हो गया, बुखार वगैरह उसके बाद उतारा दिए तो जब उससे पहले तो दुआ पानी दिए होंगे, दुआ पानी क्या हुआ? दुआ पानी से कुछ भी नहीं होता, पहली बार उधर बोलो दुनिया को बोलो। हाँ पहली बार दुआ पानी दिए थे उससे कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी बार दिए थे तो उसमें थोड़ा सा रोली थी बच्ची, और आज जो है तो आज तीसरी बार ही है, तीसरी बार में पूरा हाजिर होगा, पूरा हाजिर होगा। पहले कुछ ही हाजिर नहीं हुआ, पहले उनको कुछ सामान लिखा के दिए उन्होंने दुकान से लाए, और ला के क्या करे घर को ले गए, छोड़ के गए घर को लेके गए, सामान लाने पर घर पे ले गए, पूरा लेके गए, पूरा लेके गए, खाली मेरा काम था पढ़ के देना घर को ले। फिर दूसरी बार में आ गया, फिर वांग पे आते आते बाकी पूरा सब बोल के देना तीसरी बार में। और उसके बाद कैसा लगा तुम्हारा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ बोलो सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैं 3 महीने से परेशान, दवाखाने में लगभग मेरे 2-3 लाख रुपए गए लेकिन कुछ भी फर्क नहीं उसमें दवा। अब तुम्हारे को मालूम ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने बिठाया वाला है मुझे, सबसे मेन बात मेरे को करने का रहता था, मैं डॉक्टरी कर रहा था, वकालत कर रहा हूँ दोनों करता था, उसमें बिजी रहता था वकील में और डॉक्टरी में, मगर ये सब अल्लाह ये काम ले रहा, अल्लाह की मर्जी। देखिए चमत्कार किसको बोलते दुनिया में, तो अब आया यकीन पे नहीं आया, यकीन आया नहीं। डॉक्टरों ने तो बहुत कर दी होंगे अभी तक तबाह बर्बाद, तुम आगू अभी दवा खाने में बच्चे में 2 दिन का छुट्टी मिली तो लेके आया, घर वापिस कल बुलाया 29 तारीख। अब बुला के भी क्या करता बोलना, डॉक्टर को देख बोलना कमाल तो लेकर जाना कि नहीं जाना, अब जब तक ले जाओ पूरा खुलासा हो तक, नाम वाम निकले तक, एक खाली बार ले उसके बाद तीसरे राउंड में रोक देंगे जाने को, क्योंकि
तुम्हारे पूरे दिल से बोलो, दुनिया भी देख रही, तुम भी देख रहे हो, यहाँ बैठे वाले लोग भी देख रहे, सब उधर भी मार के हम रहा, सब बोलो, पूरी पब्लिक देख रही कि ये तुम बोलो खुद कि बीमारी है, शैतान है, असरात का है, शैतान का है, दवा खाने का है नहीं, क्योंकि तुम अपने आंखों से देखे ना। हाँ, खुद मैंने मेरी आंखों से देखा, हमारी बहन ने देखी, असल में हमको इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन हम यूट्यूब पे देखने के बाद में बच्चे के दुख की वजह से मेरे को है तो भरोसा आया, और डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे, फिर भी मैं मेरे बच्चे को लेके आया यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह है कि वहाँ पे लाने के बाद में मेरे समझ में आया कि बच्चे के ऊपर असरात थे। वो पहले तो बीमारी समझ, पहले बीमारी बीमारी में 3 महीने चले गए मेरे, इसमें दवा खाने में, यूट्यूब पे वीडियो देखा इनका, उसको जैसे लेकर आया मैं। अब होगा क्या, अल्लाह के कलाम पे और भी पक्का ईमान मजबूत, देखे कलाम का चमत्कार, बिल्कुल सही बात, ईमान ताजा हो गया तुम्हारा देख के सब कमाल, अल्लाह कलाम का यही से दास्तान, अल्लाह जिसको नमाज था उसको पूरी दुनिया मिलके भी नहीं गिरा सकती, और अल्लाह को जिसको गिराना है उसको पूरी दुनिया मिलके भी नहीं उठा सकती। अब वो सारे बात आए बोलने के मेरे पास, तुम्हारे लोगों को क्या बोलूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं तो देख देख के परेशान हो जाती हूँ ना, कौन किस पे कर रहा है, कौन किस पे कर रहा है, नामा निकले तो सगे रिश्तेदार, और नाम मैं किसी का निकालता नहीं और मेरे मुंह से मैं बोलता नहीं, वो जो भी है उसके आंग में आता, वो जो भी पेशेंट था उसका उसका बोलता बयान होता ना सब जाता, मेरा काम है खाली पढ़ना और पढ़ के दम करना और शैतान को जकड़ने लगाना जो भी अल्लाह कलाम के हुकुम से, और उसके अलावा जो दास्तान है तो जो भी जवाबदार रहते हो उनके उनके खुद नामा होगा, मैं आके बोलता हूँ, वो खुद बोलते उनके घर के लोग डिमांड करके पूछते ये पूछो पूछो, वो लोग खुद पूछने लगाते, वो पूछ के बता देते बस खत्म, क्योंकि हाजिर होने के बाद उससे क्या पूछना है, मेरा काम थोड़ी, मैं थोड़ी पहचानता हूँ क्या पूछो क्या नहीं, वो उन्होंने बोलते ये सवाल पूछो वो सवाल पूछो, मेरा काम। और अगर हाँ, जब उन्हें हाजिर होता, ये भी वीडियो में भी देखो, हाजिर होने के बाद अगर कोई दूसरा आदमी बीच में घुस के पूछने लगा तो बोलता है खामोश बैठ, बोल के उसके बात सुनाता उल्टे टुलटे, क्योंकि वो उसका ने पावर थोड़ी सवाल जवाब करने का शैतान से, शैतान के ऊपर उनको थोड़ी दिया ली हुकूमत, जिसकी रहती अल्लाह कलाम की ताकत से वो नहीं कर सकता, बाकी सबके बस की बात नहीं रहती। इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ये तुम्हारा अगर देखना है तो यहाँ बैठ के लाइव देखो, फिर देखने के बाद तुम्हारी अकल हैरान हो जाती, फिर ठिकाने पे आती, क्योंकि बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट भी आके बैठ के देख के बोलते कि अब हम माने, पहले नहीं मानते थे, लाइव देखने के बाद मानती दुनिया, पहले नहीं मानती। चलो ठीक है, बोलो कुछ बोलना है और तुम्हारा हाँ, क्या हुआ था, सपने अपने कुछ दिख रहे थे क्या? अच्छा यहाँ मेरे सामने कुछ सवाल जो अभी कुछ याद है क्या? खत्म हो गए हो गए, उस दिन उसके आंग उसके सामने ऐसा काला कपड़ा लेके ऐसा आंग ऐसा झटक रहे थे, झटक रहे तो नीचे उसके धस्या गिरे, धस्या गिरे बाद वो बच्ची ऐसी डर रही थी, डरी और मेरे को बोली अम्मी वो कोने में मेरे को नहीं सोने का, तो मैं बोली फिर कहाँ सोती बेटे, तो बोले मैं दरवाजे के सामने आप सोएंगे, तुम पैर और से सो मैं आई लड़ सोंगे, फिर हम दरवाजे के सामने सो गए, दवा खाने के छुट्टी हो गए बाद दरवाजे के सामने सो गए कमरे इसमें रूम में आके, तो फिर उससे आगे वहां से आगे उन्हें उतार, जैसे खत्म हो गए वैसा वो बच्ची डरने लगी, डरने लगी तो फिर मैं बच्चे फोन करके बोली इधर आने का, बोले तो बच्ची रो रही बोले नहीं मैं उधर नहीं आ रही फुप्पू जान के नहीं आ रही, हम बोले चल बेटे अपने ऊपर फुप्पू जान के जाने का वहां से भीड़ को जाने का, तो उन्हें बोली नहीं बोली मेरे को बर्फी को नहीं आने का भीड़ को जाने का, हमने बोले हम तीन लोगों का नाम रखेंगे अपन क्या करें फुप्पू जान के लेके वैसे भीड़ को जाएंगे, फिर हम उसको यहाँ रात में लेके आए, तो रात में गाड़ी में बैठ के बहुत रोई, फिर आप लेके आए उसको क्या बोल के रो रही थी, कुछ बोली नहीं, बर्फानी को मैं नहीं आऊंगी, बर्फानी को मैं नहीं आऊंगी, देखो सुनो कौन नहीं आते मेरे पास में, जिसके आंग में रहता हूँ मैं नहीं आता, जिसके आंग में क्या रहता शैतान, उस शैतान रहते जो क्या बोलते तो नफरत करते तरीकत के लाइन से, बाकी तो सब क्या बोलते तो इंसान की तो बात अलग है, मगर ये शैतान आ करते बदमाश है। हाँ और नहीं आऊंगी बोली तो फिर हम रात में लेके आए, फिर तुम्हारे से जरा ये था तो मैं दूर गए थे तो आज लेके आओ, आज लेके आए, झूठ बोल के लाए ना, झूठ बोल के लेके आए, उसके आंग में कि नहीं आन देना चाह रही होंगी ना, इधर के हिस्से में आते सबसे आगे की मारते ना उनको पकड़ के, हम हंसे और उसके बाद वैसे वो अंदर की बोलती ना बैठ के बात, देखो देखो यहाँ सुनो एक बात मैं तुम्हारे लोग को बोलता हूँ,
तुम्हारे कैसे अकीदे हो गए लोगों के? अब सुनो सुनो, अब इसके अंदर की चिरोनी वो बला जो भी एक्स वाई जेड, वो बला क्या बोल रही कि मैं कल गया था घोड़े माले को, वहां से हॉर्स वार्थ लेके आए, पहुंचे यहाँ पर बनी रात में, तो ये लोग सब वेटिंग में थे। तो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं यहाँ, ये देखो कि उसके उन्हें ये लोग गवाह है बात की, ये लोग खुद बोल रहे कि मैं कल नहीं देखने वाला था, तो उसके अंदर का बोल दे रहा कि आज नहीं देखने आ ले। बोले उसको कैसा मालूम कि कौन सा इल्म है ये? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है? बोलते माज अल्लाह, शर्म करो जरी शर्म, शैतान को गैब का इल्म है और अल्लाह के नबी को नहीं है? वाह कैसा है। इस वास्ते बोलते कि कुरान को समझ के पढ़ो, तो बता रटे वह समझ रटो, समझ के पढ़ो, उसके अंदर अल्लाह फरमा देता कि हम हमारे चुनिंदा रसूलों को गैब का इल्म सिखाते, जो भी है वो एक्स वाई जेड पढ़ो, तुम खुद पढ़ के उसको तशरीह ले लो समझ में। और वो भी छोड़ो, मैं तुमको एक मेन बात यहाँ ये बता रहा हूँ कि उसको कैसा इल्म है इस बात का, मैं देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, कैसे दावे एकदम, ये कौन सा इल्म है? दुनिया में अल्लाह ने बहुत इल्म रखा ले, तुम लोगों से ना वाकिफ है। और अल्लाह के बाद डायरेक्ट अल्लाह के नबी का मरतबा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह ने उनको क्या नहीं अता कराऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल दोनों में चराज है। मेरा अल्लाह के नबी कुछ नहीं मालूम, रमाज अल्लाह कमाल है, हर चीज का इल्म सिखाया अल्लाह ने उनको भी, उनके सदक़े में तो दुनिया बनाने वाली अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बार बार फरमाया अल्लाह ने उसका सामान वो देंगे ना पढ़ के भी बना के। चलो देखो उधर मारो कैमरा, क्या बोलते हैं, कुछ है बोलने को? अल्पा कुछ भी नहीं है, और पूरा ऐसे बिल्कुल नहीं था, जादू टोना है वो। तो दुनिया कोई चीज नहीं करती, जब अपने आंखों से देखते तो मालूम होता, वैसा कैसा मालूम होता, थोड़ी कोई यकीन करते। और मैंने गलती से हमको झूठ बोल के बुलाया है दवा खाने में, बोले कि नहीं बोलता हाँ अपने को, क्या बोले अपने मौलाना को बताने। अब कैसा है वो वाजिबी बात है, वो जरूरी है वो, कि यकीदा नहीं रखना, यकीदा तो रखना है, अगर यकीदा नहीं रखेंगे तो काफिर हो जाएंगे, क्योंकि कुरान के अंदर जिक्र आ वाला है। मगर लोगों पे अकीदा रखना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दुकाना चोरों ने खोल के बैठ गया है बहुत सारे जगह 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 जगह, बेवकूफ बना रहे डाकुआ साले, क्या बोलते तो बदमाश आता जाता कुछ नहीं, अलिफ का नाम भाला, बे का नाम कुंडाला, अन लोगों को उल्लू बनाते बैठे, तो उस वजह से ओरिजिनल भी क्या हो जाते उसमें, लोग उन पे भी उंगलियां उठाते हुए डुप्लीकेटों की वजह से।